आई लव यू मेरी आवारगी तू ही दुआ कतरा कतरा मैं गिरूं। हेलो गाइज, मैं हूं जसराम। जैसा कि यार आप लोग मुझे जानते हो, आज का वीडियो ना बहुत प्यारा होने वाला है। जैसा कि आपने यार पिछली वाली वीडियो में देखा था कि जो नम्रता थी ना रजत की साली, उस पर ना एक प्रंक किया था, बहुत प्यारा सा प्रंक था। तो यार कुछ हमारा बीच ना कन्वर्सेशन हुआ था, तो उसी को लेकर कुछ चीज़ें हैं सामने जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो पहला वाला वीडियो आपने देख लिया, अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, पहले उस वाले वीडियो को जाके देखो, तब इस वाले को देखना, तब तुम्हें आगे समझ में आएगा कि अक्षर में वीडियो है क्या। तो गाइस अभी ना मैं उसके लिए एक बार कॉल कर लेता हूँ और बात करता हूँ अभी वो है कहाँ पर। ठीक, देखते हैं। हेलो, हाँ जस्सू बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलो। हाँ कहाँ पर हो? घर पे हूँ। तुम्हारा व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, मिलने के लिए बोल रहे थे ना तुम आप। बोला था तो मैं ना जो तुम्हारे घर के पीछे वाला पार्क है ना, उसी में आया था आज शूट के लिए। तो अगर आप चाहो तो आ जाओ मिलने के लिए, अभी मैं फ्री था 10-20 मिनट। ठीक, आ रही हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है, फिर मैं ना निकलूँगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो गाइस यार आप लोगों को बता देता हूँ, उसका घर यहाँ पर ही है पास में। तो हमारी कुछ बातें हुई थी व्हाट्सएप पर, बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें अभी बता दूँगा। ठीक है ना, पता नहीं यार कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, वैसे इन सारी चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। लेट्स सी, अब देखते हैं आने वाले वो। तो आप लोग ना वीडियो बने रहो एकदम कतई तगड़ा। और अब चलो बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पर, तो कुछ वेट करते हैं उसका। भाई कैमरा बंद कर दे। हाँ तो रजत भाई वो आ चुके हैं, जल्दी कैमरा घुमा दे जल्दी से। तो देखते हैं। और बढ़िया, बैठ जाओ खड़े क्यों? क्यों गले नहीं मिलाओगे? पिछली बार मिलाए थे। अच्छा पिछली बार मिला तो गले मिलोगे? हाँ। अरे क्या बात है, हम तो तरस रहे थे, हमारी तो आंखें तरस रही थी गले। बैठ जाए। हाँ चलो ठीक है। और बताओ क्या हाल है? बस बढ़िया यार। तुम्हें हो क्या रहा है, दिन प्रतिदिन भाई चमकते जा रहे हो। और बताओ क्या हुआ, कल नाइट में कॉल भी किया था तुमने और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे, क्या हुआ? मिलना था इसलिए। अच्छा मिलना था, चलो सही है, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कि आप मिलने के लिए आ रहे हो। मन कर रहा था ना आपसे मिलने का। अच्छा मैं सोचा बात कर लूँ फोन में। और घर पर कैसे हैं सब लोग? बढ़िया ठीक है। अच्छा आपके? बस हमारे घर पर भी सब बढ़िया है, कुछ नहीं यार लॉकडाउन चल रहा है तो काम वाम इतने तरीके से हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे यार शूट था भैया का, तो आया था मैं चलो पार्क में, इसलिए मैं चलो सोचा तुम्हारे मैसेज भी आए थे, मैंने चलो बात करता हूँ। हाँ। और बताओ क्या हाल है? बस बढ़िया। बताओ और यार क्या बोलूँ? अरे बोल दो, हम तो तरस रहे हैं ना सुनने के लिए, कानों में न जाने सदियाँ हो गई कुछ अच्छा सुनने के लिए। अच्छा और बताओ कैसे बोलूँ, समझ नहीं आ रही। बोलते कैसे, मुँह से बोलेंगे ना? नहीं कुछ। ये क्या लग रहा है? अरे ये तो क्यूटनेस है आपकी। और बताओ। बस पता है ना मेरा आँख ही नहीं हट रही है आपसे, इतना चेहरा आपका प्यारा है जो है। अच्छा और क्या लग रहा है, आपकी आँखों में डूब जाऊँ? डुबकी लगाने दोगे? डुबकी लगाने दोगे? यार मैं प्लेट क्यों कर रहा हूँ फालतू में, तुम बताओ ना, तुमने मिलने के लिए बुलाया था, अब बताओ। यार मैं पसंद, मैंने ना अपने बॉयफ्रेंड को ना छोड़ दिया है। बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है? क्यों यार, वो तो अच्छा बंदा था यार तुम्हारा। नहीं ना मुझे फिर टॉर्चर करता था ना। क्यों टॉर्चर, क्या क्या ऐसा क्या इशू हो गया? अरे कहीं नहीं जाना, घर पे बैठो, कहीं नहीं जाओगे आप बाहर ऐसे। यार वो लड़का तो अच्छा था, तुम रिलेशनशिप में थी उस दिन, मैंने पूछा भी था आप मुझसे, उसको छोड़ के आपके साथ रिलेशनशिप में आना। क्या कह रहे हो, कुछ सोच समझ के? पानी वानी पी के आए हो? लॉकडाउन हो रहा है, पानी वाला भी नहीं मिलेगा। पानी पिलवाऊँ, मोटर चालू करवाऊँ यहाँ पर कुन्ने पे लगी है? देखो मैं तो ना देसी तरीके से पिलवाऊँ, वहाँ पे मोटर लगी हुई है, चाहो तो चलो पानी पिलवा देता हूँ। नहीं हुआ क्या, उसको क्यों छोड़ रहे हो मुझे बताओ। अरे वो कह रहा घर से बाहर नहीं जाना है ये वो। अच्छा मैंने फिर उसका ना बताई दी। नहीं तो ये कोई रीजन थोड़ी ना हुआ कि घर से बाहर नहीं जाना है।
अरे जैसे कि हम फ्रेंड वगैरह घूमने जाते हैं ना लड़कियाँ, जैसे कि कई बार जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं। अब देखो नॉर्मल तो अपन जा सकते हैं ना, कि इसके लिए भी उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये तो यार गलत है यार। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, ब्रेकअप ले लिया? अरे नहीं नहीं ले लिया, सच में सच में ले लिया। कब कब लिया था? हो गए 3-4 दिन। तीन चार दिन हो गए, कोई बात नहीं करते। और फोन उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया मैंने। अच्छा, तो इसी के लिए बात कर रहे थे तुम? तो बताओ हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं उसको छोड़ के तो तुम्हारे रिलेशनशिप में आना है। मेरे साथ रिलेशनशिप में आना? पागल पागल हो रही हो? दिमाग में दूध का दही जम गया क्या? यार आप ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्हें पता है ना कि मेरी भाई गर्लफ्रेंड है, और लीजिए जो भी सारा कुछ होता है मैं वीडियो वगैरह के लिए करता हूँ, किसी भी लड़की को प्रपोज वगैरह। उस दिन तो मैं प्रपोज वगैरह कर रहा था, बस नॉर्मल मुझे तो वीडियो करना था, एक प्रैंक कर रहा था आपके पास। अब देखो जो रियलिटी है सच्चाई कुछ और है, क्योंकि जो पर्सनल लाइफ होती है उस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ी ना दिखाता हूँ। मैंने पर उसको छोड़ दिया ना फिर मैं? नहीं तो देखो छोड़ दिया तो मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, अब शायद हमारी 2 महीने बाद शादी भी होने वाली है, और मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं आपके साथ कैसे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ? यार सोच लो फिर भी। क्या सोचूंगा आप बताओ? सोच लो फिर भी। नहीं सोच लिया। देखो मैं फिर सामने वाले बंदे को भी तो धोखा नहीं दे सकता ना। अब देखो मैं भी यार चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ, पर यार और भी तो बहुत सारी चीजें वो भी देखनी होती हैं। सैड क्यों हो रहे यार? मैंने मना कर दिया था यार, तुम तो उदास ही हो गए एकदम बिल्कुल। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। गुस्सा तो नहीं हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ, बस मैं आपसे यही बोलना था इसलिए कॉल किया था आपको। यार सैड मत हो, ठीक है? सोच लूँ मैं, ठीक है? ज़्यादा वो नहीं है, वैसे ना बहुत प्यारे लग रहे हो कसम से। देख देख के मन ही नहीं भर रहा मुझे। लग रहा है बस ऐसे ही देखता रहूं। मर गया। लिपस्टिक बहुत प्यारी लगा के आती है। मन करता है इसे छुड़ाने का मौका दो, अगर गर्लफ्रेंड नहीं होती तो माँ कसम उसको पूरा निकाल देता। छोड़ दो फिर उसे। छोड़ दो उसे फिर। छोड़ दूँ? पक्का? हाँ छोड़ दो। अरे नहीं तो चलो मैं उसको छोड़ दूंगा तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ? कुछ सोच लेंगे ना, हम दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। अच्छा, आपके अब्बू तो मेरे साथ सब कुछ करती है। सब कुछ करती है, हम दोनों फिजिकल अल्टीमेट भी हैं। तुम होगे फिर मेरे साथ? हम उनको तोड़ोगे तो होगे ना उसमें। वाह क्या बात है। हाँ हाँ तो फिर लगता है सोचना पड़ेगा। सोच लो। सोच लो। देखो जो भी सारी चीजें आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोलना तो बहुत कुछ आती हूँ पर आप रिलेशनशिप। अरे भाई एज अ फ्रेंड आप बोल सकते हो यार, ऐसा क्या इशू है? बोल दो ना, मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू। तेरे नाम जवानी कर दई गुजर के मैं तो पे मर गई तू मेरा भरतार 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 बस सुनाए मेरे यार ये बस सुनाए मेरे यार। क्या है? मैं लाइक करती हूँ, मैंने कर दिया आपको। भाई ऐसे लाइक कौन करता है यार? मैं करती हूँ आपसे। देखो ये सारी चीज़ों से ना मैं बहुत दूर रहता हूँ यार। देखो तुम पागल पागल हो यार, क्या करके मानोगी? ये सारी चीज़ें तो गलत हैं। खड़े खड़े हो जाओ तुम एक मिनट। अब देखो यार सामने वाली पब्लिक प्लेस है भाई, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होगा, मैं अपनी वीडियो वगैरह में भी नहीं करता यार। ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत गलत लगती हैं यार, इस तरीके से नहीं करना चाहिए यार। देखो मुझे ये सारी चीज़ें, अब तुम जा सकते हो यार। गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो रहा। देखो मेरी बात सुनो। देखो जो भी तुम्हारी फीलिंग है उनकी मैं भाई रेस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? कहीं ना कहीं तुम भी मुझे अच्छी लगती, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पब्लिक प्लेस में जो भी कुछ करें, ठीक है? तो अभी तुम एक शर्त तो छोड़ो, अब तुम ऐसा करो जाओ, ठीक है? मैं बाद में सोच के बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? यू कैन गो नाउ। ओके भाई लोग, यार देख लिया तुम लोगों ने भाई चौथ, तुम्हें यार पता हो कि यार ऐसी सारी वीडियो वगैरह मैं नहीं करता हूँ यार बहन जो, और इसीलिए मैंने यार उसको नहीं बताया था यार कैमरे के बारे में, ठीक है? क्या कैमरा लगा हुआ है पता नहीं यार, कुछ फील वगैरह करती होगी मेरे लिए वो। क्या ये सारी चीज़ों से ना मैं दूर रहता हूँ, रिलेशनशिप वगैरह से जो भी है। तो वीडियो में बताओ आप लोग, कॉमेंट वगैरह कर देना कैसा कह रहा। वैसे ये सारी चीज़ें दूर रहता हूँ, अगर आपको लगता है लड़की कैसी कैसा मुझे बता देना, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे, और जो भी इंस्टाग्राम के पॉपअप वगैरह आ रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता देना,
और लेट्स सी, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।